date 28 July 2020, class 10, subject maths, topic arithmetic progression, AP. Date 28 July 2020, class 10, subject maths, topic arithmetic progression. Exercise 5.3, question number 13. 5.3 के 12 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। 10th क्लास, सब्जेक्ट मैथ्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेट है 28 जुलाई 2020। 13 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल, पहले 15 8 के मल्टीपल का सम फाइंड करना है। आप देखो इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट पहले तो लिखेंगे फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 आर का सॉल्यूशन हम करते हैं। आप है फर्स्ट 15 मल्टीपल सम है 8r, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8r है, पहले 8 मल्टीप्लाई 1 8 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 3, और एंड वाला होगा 8 मल्टीप्लाई 15, ये हो गया 8 16, 24 और लास्ट में आ जाएगा 120। इनका हमें सम फाइंड करना है, ऐसे सम को इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो ई चाहिए ए पी बीच आर इन ए पी, क्यों इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम है, इसलिए तो क्या क्या गिवन है, हियर A equal to 8, B equal to 16 minus 8, और n की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 15। इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, सम फाइंड करने के लिए और n भी गिवन है या ये भी गिवन है 120। अगर ऐसे सिंपल आ जाए तो वो सम के फॉर्मूला वो यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप लिखोगे सम एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन बाई टू, यहाँ फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म है, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे ए प्लस एल, एन के जगह पे 15 लिखना है, एस 15 15 बाई टू, ए के जगह पे 8 और लास्ट टर्म के जगह पे 120, जो दे रहा 15 बाई 2 मल्टीप्लाई 128, ये 2 से कट भी जाएगा 64, 15 में 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे या दे रहा 960, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे sum of therefore sum of a first 15 multiple of 8 is first 15 multiples of a 8 is 960, ये हमारा हो गया आंसर। तो 13 नंबर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। Now come to the point, question number 14. 14 number question आप देखो आप है। देखा लो। Question number है 14. Question number 14 है। Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. 0 और 50 के बीच के odd number का सम बताना है। Odd number वे होते हैं
जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जिस नंबर में 2 से डिवाइड नहीं किया जा सके उसको कहते हैं ओड नंबर। तो सबसे पहले उन्हें 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में ओड नंबर का सम बताना है। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप लिखोगे यहाँ पे द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर, द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर, ये और 50 के बीच के ओड नंबर है कौन कौन से है, 135 है, 135, 49, 135 लास्ट में 49 और इन बिचारी एपी, और इनके बीच में कितने टर्म है। अब आप देखो इसमें क्या क्या गिवन है, हियर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, या n इक्वल टू 49 और n इक्वल टू 35, अरे 1 से लेकर है 0 से लेकर है 50 के बीच में 25 को नंबर आएंगे, क्योंकि वो ओड नंबर लिखना है। अब आपको सम फाइंड करना है, सब का वही फार्मूला लास्ट टर्म हमें गिवन है इसमें, तो आप कर सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, यहाँ पे एस 25 बाई टू, ए की जगह पे 1, एल की जगह पे 59, ये कटेगा नहीं, 25 बाई टू ये हो गया 50, इससे ये कट के 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 625, क्या आ जाएगा 625। तो आप लिख सकते हैं द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज, द सम ऑफ ओड नंबर्स है बिटवीन 0 एंड 50 इज 625, ये हो गया यहाँ पे आंसर 625। ये तो सम नंबर हो गया हमारा 40। नेक्स्ट सम में आते हैं, अ 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनाल्टी फॉर ए डिले
ऑफ ए कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज, रुपीज 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा, द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बींग रुपीज 50 मोर देन फॉर द प्रेसिडिंग डे, हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। कोई कंट्रैक्टर है, उसको कंस्ट्रक्शन काम दिया गया है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, उस पर पेनाल्टी भी है अगर वो एक दिन डेट से, जैसे उसको 30 डेज का है, अगर वो एक दिन लेट करता है तो 50 रुपीज़ उस पर पेनाल्टी है, तो फर्स्ट डे उसको देना पड़ेगा 200, अगर नेक्स्ट डे करता है 250, थर्ड डे में है उस पर रहेगा 300, इस तरह उसकी पेनाल्टी। अगर वो मैंने एक दिन कभी भी अगर डिले करता है, काम नहीं करने आता है, तो 50 रुपीज़ की पेनाल्टी लग गई फर्स्ट डे से, 50 डी की एज टू पे एज पेनाल्टी इफ हैज डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। अगर वो 30 दिन डिले कर देता है काम में, तो उसको कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, पहले या तो हम पहले उसने लिख लेते हैं जो उसकी पेनाल्टी की जो है ने पी by 2, 2 multiply 200 plus 30 minus 1 into d की जगह पे 50, इसे सॉल्व करेंगे 15 या रहेगा 400 plus 29 multiply 15 हो गया 400 प्लस 1450, इन्हें प्लस कर लेंगे 15 मल्टीप्लाई
1850, 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27750, तो 30 ABC जो प्लांटी है, जो मनी है पेनाल्टी मनी अगर ले सकता है 27,750 रुपीज देना पड़ेगा, तो हेंस ए डिले ऑफ 30 डेज। अब आप लिखोगे हेंस ए डिले ऑफ 30 डेज पोस्ट द कॉन्ट्रैक्टर है, कितने उसको देना पड़ेगा, पोस्ट द कॉन्ट्रैक्टर है रुपीस 2775। अगर वो 30 डेज का डिले करता है तो उसे 27,750 रुपीस का इतना उसको पैसे देने पड़ेंगे डीले मनी। ये तो 15 नंबर क्वेश्चन है। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर है 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है इस सम ऑफ रुपीज 700 to be used to give a 7 cash prize to student of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. 700 rupees ko 7 cash prize ke roop mein student ko dena hai jinhone apne school mein unki overall एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या रहा उसके अकॉर्डिंग उनको प्राइस दिया गया 700। टोटल मनी है 700, तो उसमें यह है कि 20 रुपीज जो है द कैश ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस। ये जो है फर्स्ट जो प्राइज अगर मान लो 60 का है तो सेकेंड प्राइज होगा उसमें 20 माइनस करके लिखना है 40 का होगा। इस तरह में 700 रुपीज कैश देना है, तो हमें ये बताना है कि इस प्राइस की वैल्यू क्या होगी ना, 7 प्राइस की कैश प्राइस बतानी है, तो हमें लेट करना है इसे सम को सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन है हमारा, इसमें आप लिखोगे लेट द रेस्पेक्टिव प्राइजेस बी, लेट द रेस्पेक्टिव प्राइजेस बी ए प्लस 60, ए प्लस 40, ए प्लस 20, ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60। ये है पहले वाले से 20 माइनस करके लिखना है, तो ये हमने लेट कर लिया है। द सम ऑफ द प्राइजेज इज, अभी किस सम दिए हुए हैं इन प्राइजेस का आप लिखोगे द सम ऑफ द प्राइजेस बी दो इकट्ठे आप देख सकते हो सम के फॉर्म में ए प्लस 60, ए प्लस 40,
60, he has 700 के इक्वल, इन सब की वैल्यू है 700। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 7a इक्वल टू, ये सारे एक दूसरे से कट जाएंगे 20, 40 और ये 700, a इक्वल टू 700 बाय 7, ये कट के आ सकता है 100, a की वैल्यू यहाँ पे होगी 100, द सेवन प्राइजेस आर है, जगह नहीं है ऊपर आप लिख सकते हो, यहाँ अगर करना चाहते हैं आप यहाँ लिख सकते हो, देयरफॉर द सेवन प्राइजेस आर है, द सेवन प्राइजेस आर, पहले हमारा है ए प्लस 60 है, पहले इसको लिख लेते हैं एक साथ है, 100 प्लस 60, 100 प्लस 40, 100 प्लस 20, फिर इधर आ जाएगा 100, 100 माइनस 20, 100 माइनस 40, 100 माइनस 60, ये होंगे 160, 140, 120, 100, 60, 40, 80 की तो इसमें 80, 60, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जो प्राइजेस है इस फॉर्म में है और ये सभी रुपीस के फॉर्म में है, ये सभी जो दिए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन है ये रुपीस के फॉर्म में है, ये आंसर हो जाएगा, तो ये 7 जो प्राइजेस है इन सबको आप प्लस करोगे तो इसका आंसर आएगा 700। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है हम इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर है 70, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ ए प्लानिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, भाई स्कूल के स्टूडेंट ने भाई एक प्लान किया है पेड़ पौधे को एंड ट्रीज को प्लांट करने के लिए, पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन दैट इज ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल पेड 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 माने सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज सो ऑन टिल क्लास 12, माने फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट जो है एक स्टूडेंट 1 ट्री लगाएगा, माने फर्स्ट के सभी एक एक ट्री लगाएंगे सेक्शन के अकॉर्डिंग है, सेकेंड क्लास के जो है वो दो दो ट्री लगाएंगे प्लांट, और इसी तरह 12 क्लास तक के बच्चे हैं। उसके बाद इसमें दिया हुआ है दीज आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, और फर्स्ट के ए बी सी है, फर्स्ट के ट्री तो सभी लगाएंगे एक एक ट्री, लेकिन सेक्शन 3 है, उसी तरह 12 क्लास तक के है सेक्शन। तो हमें ये बताना है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट सिंस देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, पहले तो जो गिवन है उसको आपको बताना है। सॉल्यूशन इसका है
पहले जो भी मैंने सेंस सेंस में देयर आर थ्री सेक्शंस ऑफ ईच बॉक्स सेंस there are three each class ke three section hai so the number of trees planted by class first, second, third. So, the number of trees planted by number of trees planted by class first class second second class third class third इस तरह हमारा क्लास है अब तो क्लास है अब तो क्लास है अब इससे ही होगा थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री मल्टीप्लाई टू थ्री मल्टीप्लाई थ्री थ्री मल्टीप्लाई फोर अप टू थ्री मल्टीप्लाई टू ये फॉर्म से लेगी ये क्या होगा इसे आप सोच करेंगे तो थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व थर्टी सिक्स कितने थ्री लगेंगे अब हमें बताना है कि टोटल ट्वेल्व क्लास तक के जो बच्चे हैं जिसमें हर एक में थ्री सेक्शन है तो वो फर्स्ट और लास्ट इसमें यहाँ पे क्या दिए हैं ये a equal to 3 b equal to 6 minus 3 equal to 3 l या n equal to 36 सब का फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे n by 2 लास्ट का मैं वो फॉर्मूला यूज करेंगे a plus l n की जगह पे आपने ये टोटल 12 क्लास है लिख देते हैं 12 प्लस है n इक्वल टू तो आप यहां पे लिखोगे s स्क्वायर 12 बाय 2 फर्स्ट की जगह पे 3 l की जगह पे लिखेंगे 36 यहां हो जाएगा 6 यहां पे हो जाएगा 39 टू थ्री फोर आप नीचे लिखेंगे फिर द सम ऑफ द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय देयरफॉर द सम ऑफ
trees planted by these classes equal to इस तरह के सबको सॉल्व करने का ये मेथड है और इसी मेथड के द्वारा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सिंस देयर आर थ्री सेक्शंस ऑफ ईच क्लासेस सो द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास अप टू क्लास 12 देन टू वन माने हर एक थ्री सेक्शन है तो 3 4 क्लास के लिए 10 टू 12 फॉर्म्स आर रिपीट 3, 6, 9, 12, 36, L equal to 3, D equal to 6, minus 3, equal to, minus कर देंगे तो 3, last term है, N equal to 36, N equal to 12, formula लगा देंगे, S equal to N by 2, A plus A, S 12 equal to 12 by 2, 3 plus 36, 6 into 39 into 34, the sum of the number of trees planted by these classes are equal to 234 trees. तो इस तरह ये 70 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है।